Hello everyone, my name is Sanjali. I am computer trainer of NS Polytechnic College. From today onwards, I will take your computer classes. First of all, I would like to request all of you, please do like, comment and share our videos. And also, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to click the bell icon so that you get updated about our upcoming videos. So let's start today's topic. टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर क्या है। सो बेसिकली हम सबको ही पता होता है, थोड़ा बहुत हम सबको पता होता है कि कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है। आजकल के जमाने में हम हर किसी एक जगह पे कंप्यूटर का यूज करते हैं। सो डेफिनेशन के थ्रू हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है। कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। मतलब कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन हो वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमारा टाइम भी बहुत कम लगता है। ये कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। यहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बट एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर जो होता है लाइक उसमें आप सबको पता है हार्डवेयर का पार्ट भी होता है, सॉफ्टवेयर का पार्ट भी होता है। तो बेसिकली उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे कोडिंग किए जाते हैं। तो वो एक ऐसा प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके थ्रू वो पहले किसी भी डेटा को पहले अपने अंदर इनपुट करवाता है, किसी भी डेटा को अपने अंदर लेता है, देन उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है कि एक्चुअली में यूजर को क्या आउटपुट चाहिए। देन उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद, उस इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद वो रिजल्ट को एज ए आउटपुट हम यूजर के पास शो करवाता है। सो कंप्यूटर का मेन जो डेफिनेशन है यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बहुत सारे प्रोग्राम एंड कोडिंग के थ्रू किया जाता है। कंप्यूटर के थ्रू हम किसी भी प्रकार का ऑपरेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं, चाहे वो एरिथमेटिक ऑपरेशन हो या चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशन हो। एंड देन किसी भी रॉ डेटा को वो एज ए इनपुट अपने अंदर लेता है, देन उसे प्रोसेस करवाता है एंड देन जो यूजर को नीड होता है उसके अकॉर्डिंग यूजर को वो एज ए रिजल्ट आउटपुट वो देता है। चार्ल्स बैबेज इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज जिनको ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है बिकॉज चार्ल्स बैबेज वही थे जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर का इन्वेंट किया है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का इन्वेंट किया गया था वो है चार्ल्स बैबेज। उन्होंने जो कंप्यूटर सबसे पहले इन्वेंट किया था उनसे कहा जाता है एनालिटिक इंजिन। एनालिटिक इंजिन नाम के एक सबसे पहले कंप्यूटर को चार्ल्स बैबेज ने इन्वेंट किया था। उसके बाद भी बहुत सारे लाइक अपग्रेड्स, न्यू फीचर्स ऐड हो गए, जो अपडेटेड वर्जन है जो हम अभी यूज कर रहे हैं, तो वो है हमारा अभी का कंप्यूटर। सो बेसिकली कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जो है आई होप सबको समझ में आ गया हो। देन कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी हम अभी कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली जब से कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था तब से लेके अभी तक जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं उसमें काफी सारे लाइक फीचर्स ऐड हुए हैं, बहुत सारे एडवांटेज ऐड हुए और डिसएडवांटेज को ओवरकम कर करके इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड करके इसे और भी इफेक्टिव बनाया गया है, जबकि हम अभी जाके अपडेटेड कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली साइज के हिसाब से, प्रोसेसिंग के हिसाब से कंप्यूटर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। उनमें से मेनली ये पांच टाइप्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो था सुपर कंप्यूटर जिसका साइज
सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज था, मेनली डिसएडवांटेज इसका था कि इसका साइज, ये बहुत ही ह्यूज साइज का था, जिस वजह से इसमें क्या होता था सुपर कंप्यूटर में, ये मल्टी यूजर कंप्यूटर था, यानी कि एक कंप्यूटर में एक ही समय पे एक से ज्यादा यूजर्स काम करते थे। बट अभी हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, पीसी, उनमें हम सिर्फ एक कंप्यूटर में एक ही यूजर बैठ के एट ए टाइम हम काम करते हैं। बट सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर थे ये बहुत ही पहले के कंप्यूटर है जिनमें की सिंगल यूजर का ये बेनिफिट नहीं था, ये मल्टी यूजर कंप्यूटर थे जिसमें एट ए टाइम एक ही कंप्यूटर में बैठ के एक से ज्यादा लोग, लाइक 100-200 तक यूजर्स एक साथ काम करते थे। एंड देन जो वर्क स्टेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है, ये अपडेट होके आया है, एंड जो अभी हम यूज करते हैं वो है पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी, या जो आप लोग लैब्स में यूज करते हैं डेस्कटॉप, उसमें क्या होता है सिंपल एक कंप्यूटर पे सिर्फ एट ए टाइम एक ही यूजर बैठ के काम कर सकते हैं। तो मेनली ये जो होता था ये आपका मल्टी यूजर था, मिनी कंप्यूटर भी आपका मल्टी यूजर है, मेन फ्रेम भी मल्टी यूजर, जो वर्क स्टेशन है उसमें थोड़ा सा अपडेट हुआ था, दैट्स व्हाई ये सिंगल यूजर था। एंड देन पर्सनल कंप्यूटर जो अभी के जमाने में हम यूज करते हैं, अभी जो अपडेटेड वर्जन है वो तो ऑब्वियसली आप सबको बता दें ये सिंगल यूजर है। तो मेनली सबसे पहले जो कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था वो था सुपर कंप्यूटर जो कि मल्टी यूजर कंप्यूटर था, देन मिनी कंप्यूटर ये भी आपका मल्टी यूजर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये भी आपका मल्टी यूजर है, यानी कि साइमल्टेनियसली एक ही कंप्यूटर पे एक से ज्यादा यूजर्स काम करते थे, वर्क स्टेशन एंड पर्सनल कंप्यूटर सिंगल यूजर कंप्यूटर। तो ये थे बेसिकली मेन 5 टाइप्स, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं बट बेसिकली मेनली यही 5 टाइप्स है कंप्यूटर। तो ये थे आपके आज के टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देन आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, सो थैंक यू सो मच।